जय श्री कृष्णा बच्चों, कक्षा चार में आज आपका फिर से स्वागत है। कक्षा चार में आज हम अध्याय छः आकृतियों के बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है, आकृतियों के बारे में आपने पिछली कक्षाओं में पढ़ रखा है कि आकृतियाँ कौन कौन सी होती है। आकृतियाँ वृत्ताकार आकृति, वर्गाकार आकृति, आयताकार आकृति, त्रिभुजाकार आकृति। ठीक है, तो ये सारी इन सारी आकृतियों के बारे में आपने पिछली कक्षाओं में पढ़ रखा है, तो उन्हीं आकृतियों के बारे में हम अध्याय छः में अध्ययन करेंगे। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले है आकृतियाँ। चंदा एक गुड्डे का चित्र बनाकर गुरुजी को दिखाती है। ठीक है, अब ये एक गुड्डे का चित्र बना दिया है। किसने? चंदा ने एक गुड्डे का चित्र बना दिया है और क्या कर रही है, वो अपने टीचर को या अपने गुरुजी को दिखाती है। ठीक है, तो गुरुजी कहते हैं अब इस गुड्डे को बनाने के लिए चंदा ने कौन कौन सी आकृतियाँ काम में ली है। त्रिभुजाकार आकृति काम में ली है, गोलाकार आकृति काम में ली है ना। त्रिभुजाकार आकृति से क्या किया है, उसका सिर बना दिया है ना। और गोलाकार आकृति से, वृत्ताकार आकृति से क्या किया है, मुंह बना दिया, आंखें बना दी। त्रिभुजाकार आकृति से उसने नाक बना दी। और आयताकार आकृति है, उसको कानों और कानों में काम में ले लिया, होंठ बनाने के काम में ले लिया। और गला बना दिया उसे, हाथ बना दिया आयताकार आकृति से, पैर बना दिया आयताकार आकृति से। ठीक है, कमर बना दी आयताकार आकृति से। और उसके बाद में उसने वृगाकार आकृति, ये देखो जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो वो कौन सी आकृति हो गई, वृगाकार। ठीक है, ये आमने सामने की भुजाएं बराबर हो तो वो कौन सी आकृति हो गई, वृगाकार। जिसकी चारों भुजाएं समान हो वो क्या है, वृग वर्ग कहलाता है। और जिसके आमने सामने की भुजाएं बराबर हो, जैसे ये दो बराबर है और ये दो बराबर है, ठीक है, तो वो क्या है, आयताकार आकृति। और गोल आकृति होती है तो वो वृत्ताकार आकृति होती है। और जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हो, तीन भुजाएं हो और वो तीनों ही बराबर हो, तो वो कौन सी आकृति कहलाती है बच्चों, त्रिभुजाकार आकृति। कौन सी आकृति कहलाती है, त्रिभुजाकार आकृति। ठीक है, तो सिर बना दिया, मुंह बना दिया गोलाकार, त्रिभुजाकार आकृति से क्या क्या बनाया है, सिर बना दिया, नाक बना दी है ना, हथेलियाँ बना दी और पैर बना दिए। ठीक है, उसके बाद में कौन सी आकृति काम में ली, गोलाकार आकृति। तो गोलाकार आकृति से मुंह बना दिया, आंखें बना दी, गोलाकार कह लो या वृत्ताकार कह लो, तो मुंह बना दिया, आंखें बना दी। ठीक है, ये नाभि बना दी। उसके बाद में वृगाकार आकृति काम में ली, वृगाकार आकृति से उसने पेट बना दिया और पैर बना दिए। फिर आयताकार आकृति काम में ली, आयताकार आकृति से चंदा ने कान बना दिए गुड्डे के, गर्दन बना दी, हाथ बना दिए, पैर बना दिए। तो इन सारी आकृतियों से, सारी वृत्ताकार आकृति, आयताकार आकृति, त्रिभुजाकार आकृति, वृगाकार आकृति से चंदा ने एक गुड्डे का चित्र बनाया और अपने गुरुजी को दिखाया। गुरुजी क्या कह रहे हैं अब देखो कि गुरुजी, अरे वाह चंदा, तुमने तो कई ज्यामिति आकृतियों से सुंदर चित्र बनाया है। कौन सी आकृतियों से, ज्यामितीय आकृतियों से। कौन सी, ज्यामितीय आकृतियों से सुंदर चित्र बनाया है। दिखने में सुंदर लग रहा है ना, एक आकृतियों से बनाया तो बिल्कुल इजी तरीके से बन गया। चंदा, मुझे ये तो पता नहीं, पर मैं जो चीज़ें आसानी से बना सकती थी उनसे बनाया है। अब चंदा अपने गुरुजी से कह रही है कि गुरुजी, अब मुझे ज्यामितीय आकृतियों के बारे में तो कुछ नहीं पता। कौन सी, ज्यामितीय आकृतियों के बारे में तो कुछ नहीं पता, मुझे जो आसान तरीका लगा बनाने का तो उस तरीके से मैंने ये चित्र बना लिया है। गुरुजी, अच्छा चलो तुम एक से दिखने वाली आकृतियों को अलग अलग छांटो। अब गुरुजी ने क्या काम दे दिया चंदा को, कि तुम अब इस चित्र में देखो बच्चों, ऐसा तो है नहीं सिर्फ एक एक आकृति काम में आ रही, एक आकृति कई बार काम में आ रही है ना। एक आकृति जैसे ये आयताकार आकृति, ऐसे इसने कान बना दिए, होंठ बना दिए, गर्दन बना दी, पैर बना दिए, हाथ बना दिए। तो गुरुजी कह रहे हैं चंदा से कि अच्छा तुम एक सी दिखने वाली आकृतियों को अलग अलग छांटो। अब अलग अलग छांटने हैं गिन के कि कौन कौन से हाथ है, कौन से पैर है, कौन सी गर्दन है। ठीक है, तो चंदा आकृतियों को ऐसे अलग अलग छांटती है। त्रिभुज की आकृति से बनी है कुछ चीज़ें, फिर आयताकार आकृति से कुछ चीज़ें बनी हैं, वृत्ताकार आकृति से कुछ चीज़ें बनी हैं और वृगाकार आकृति से कुछ चीज़ें बनी हैं।
गुरुजी, गोल, गोल मतलब जो बंद आकृति है, बंद आकृति को वृत्त कहते हैं। किसे? ये जो गोल आकृति दिखाई दे रही है बच्चों, एकदम पूरी बंद है ना, कहीं से भी खुली नहीं है, तो बंद आकृति को क्या कहते हैं? वृत्त कहते हैं। गोल बंद आकृति को वृत्त कहते हैं, ये ध्यान रखना बच्चों। गोल आकृति क्या कहलाती है? वृत्त कहलाती है। तो ये कैसी आकृति होगी? वृत्ताकार आकृति। तीन भुजाओं वाली बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। अब त्रिभुज किसे कहते हैं? तीन भुजाएं और बंद हो, तीनों भुजाएं हैं वो क्या हो? बंद हो, आपस में बंद है ना, एक दूसरे से जुड़ी हुई है, और भुजाएं कैसी है? समान है। तो तीन भुजाओं वाली बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? तीन भुजाओं वाली बंद आकृति को त्रिभुज। ठीक है, फिर है चार भुजाओं वाली बंद आकृति। अब ये देखो, चार भुजाओं वाली बंद आकृति है, आपस में भुजाएं जुड़ी हुई है, बंद है, तो चार भुजाओं वाली बंद आकृति को क्या कहते हैं? आयत कहते हैं। क्या कहते हैं? चार भुजाओं वाली बंद आकृति को आयत कहते हैं। तथा चारों भुजाएं समान हो, ऐसी बंद आकृति को क्या कहेंगे? वर्ग कहेंगे। ये देखो, ये चारों भुजाएं बराबर है ना, एक दूसरे से जुड़ी हुई है, बंद है और बराबर है चारों भुजाएं, तो चारों भुजाएं समान हो, ऐसी बंद आकृति को वर्ग कहते हैं। तो गोल बंद आकृति को क्या कहते हैं? वृत्त कहते हैं। तीन भुजाओं वाली बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं, और चार भुजाओं वाली बंद आकृति को आयत कहते हैं, तथा चारों भुजाएं समान हो, ऐसी बंद आकृति को वर्ग कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो आज हमने आकृतियों के बारे में पढ़ा कि कौन सी आकृति को क्या नाम दिया गया है, क्या कह के बुलाते हैं। गोलाकृति को कैसी होती है, आयताकार आकृति कैसी होती है, वृत्ताकार आकृति कैसी होती है, और वर्गाकार आकृति कैसी होती है, किसे कहते हैं, इसके बारे में हमने अध्ययन किया है। ठीक है बच्चों, जय श्री कृष्ण।